नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? नरेश पाल दास। नरेश जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कंकरखेड़ा मेरठ का रहने वाला हूँ जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं अभी तो पुलिस फोर्स से रिटायरमेंट हो गया जी। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज से 2009 में जुड़ा जी। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ सर, मैं संत डॉक्टर सोनक देव जी से जुड़ा हुआ था 1994 से, और वही भक्ति में 17 साल तक लगातार किया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ऐसा था जी, उस दिन हम लाइन के अंदर थे और संत रामपाल जी महाराज के जो भगत थे वो मंदिर में बैठे हुए थे, और उस मंदिर में मैंने जाकर उनको बोला भाई आज विश्वकर्मा का दिन है, आप प्रसाद वगैरह ले आओ। तो बोला यार विश्वकर्मा को किसने बताया? भगवान, भगवान तो कबीर साहब है। मैंने उसको बोला यार हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं और देखा भी नहीं, ना कहीं पढ़ा, आप बोल रहे कि कबीर साहब भगवान है। बोला मेरे पास एक बुक रखी, लाइन में जाके आप उसको पढ़ना, आपको पता लगेगा। तो भगत जी ने शाम के टाइम लाइन में मुझे वो पुस्तक दी, गहरी नज़र गीता में। मैंने उसको पढ़ा सर, और पढ़ते पढ़ते 2 दिन तक मैंने लगातार उसको पढ़ा, और इसके बाद मुझे टोटल ज्ञान हुआ कि गीता में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। इतना अच्छा उसके अंदर ज्ञान था कि मैंने प्रण कर लिया उसी दिन से कि मैं आज के बाद ये जो भक्ति मुझे बताई है डॉक्टर सोनक देव ब्रह्मचारी संत ने, ये मैं भक्ति बिल्कुल नहीं करूँगा। तो इसके बाद मैंने भगत जी से बोला, भगत जी मैं आपके गुरु से नाम लेना चाहता हूँ। तो भगत जी बोले भाई 5 महीने बाद छुट्टी जाऊँगा, इसके बाद ही जो है ना आप नाम मिल सकता है। मगर ठीक है, मैं भी 5 महीने के बाद ही छुट्टी जाऊँगा। तो जैसे ही वो 5 महीने के बाद छुट्टी गई, मैं उनके घर ही चला गया जी, आश्रम गया, और वहाँ से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेके आया मैं। सर आपने कोई गुरु बनाए थे और उनकी 17 साल तक भक्ति साधना की, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक गहरी नज़र गीता में मिली, ऐसी उस पुस्तक में क्या लिखा था जो आपने 17 साल की भक्ति छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? जो हम भक्ति पहले कर रहे थे वो भक्ति सदग्रंथों से प्रमाणित नहीं थी, और जो भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज ने हमको दी वो सदग्रंथों से प्रमाणित थी सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी हाँ, मुझे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद में बहुत लाभ हुए। पहला लाभ तो यही हुआ भगत जी कि मेरे को सद्भक्ति मिली सद्ग्रंथों के हिसाब से, और दूसरा लाभ मुझे ये हुआ कि मैं फोर्स के अंदर एक मैकेनिक पद पे था, तो एक गाड़ी नई रेज हुई थी जिसके बारे में मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। 8 दिन तक परेशान होने के बाद में लास्ट में मैंने छत्तीसगढ़ के अंदर तंबू के अंदर बैठा हुआ था, मैं मालिक को याद किया और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सारी चीज़ बताई ऐसे कि ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, ऐसे करो, और मैंने वही चीज़ जा करके सवेरे इस्तेमाल की गाड़ी के अंदर, तो मुझे वहीं पर फॉल्ट मिला, और तब मैंने संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का पहली बार एहसास किया कि इस धरती पे कोई मालिक है जो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहता है। दूसरा लाभ भगत जी मुझे ये मिला कि मेरठ में पोस्टिंग थी तो घंटा घर पे जाके मेरी एक गाड़ी ख़राब हुई, और मैं दूसरी गाड़ी मंगवाने के लिए अपनी यूनिट में फ़ोन कर रहा था, तभी जो है एक 35-40 साल का एक मनुष्य वो मेरे पास आया भीड़ में से निकल करके, हल्की हल्की दाढ़ी थी उसके चेहरे के ऊपर, तो मेरे को आके बोला भाई साहब क्या बात है? मैंने बोला भाई कुछ नहीं, ये गाड़ी ख़राब होगी लेकिन इसमें करंट भी सही आ रहा, पेट्रोल सही आ रहा, रिले भी इसका सही है, लेकिन पता नहीं यार ये क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। बोला भाई साहब मैं देख सकता हूँ? मगर ठीक है भाई आप देख लो। तो जैसे ही उन्होंने खिड़की खोली, एक नज़र मेरी उसी के पास थी, एक जगह से मैं फ़ोन भी कर रहा था और एक नज़र उनके ऊपर थी मेरी, उन्होंने सिर्फ खिड़की खोली, और खिड़की खोलने के बाद मुझे मुस्कुराते हुए बोल के चले गए हाफ सेल्फ मारना गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, और वो 10-15 गज दूर गए होंगे भीड़ में जैसे ही विलुप्त हुए। इसके बाद मैंने खिड़की खोल के जैसे ही सेल्फ मारा गाड़ी स्टार्ट हो गई, तब मुझे अचानक एहसास हुआ कि ये और कोई नहीं था, ये मालिक संत रामपाल जी महाराज थे, और मैंने उनको ढूंढने के लिए 10-15 कदम बहुत तेज़ी से दौड़ा, लेकिन परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तीसरा लाभ ये मिला कि हमारी प्रॉपर्टी का एक मामला ऐसा फंसा हुआ था कि 10 साल से उसका कोई निराकरण हो ही नहीं रहा था। मैंने अपने घर वालों को भी, अपने भाइयों को भी, दोनों को बहुत समझाया भाई ये जो ज़मीन है इसको बिक्री कर दो और हम अपनी जगह अलग अलग ले लेते हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे। लास्ट में मैंने संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई है, मालिक आप ही जगत विधाता हो, आप ही परमात्मा हो मालिक,
हे गुरुदेव आप ही इस समस्या का निराकरण करो, मेरे बस की तो बात है नहीं। तो दो दिन के बाद जो भाई 31 साल से मेरे घर की देड़ी नहीं चढ़ा था, मेरे से कभी बोलता नहीं था, वही भाई मुझे रास्ते में मिला और बोला भाई साहब राम राम। मैं कहा भाई राम राम। तो बोला भाई वो ज़मीन बेचनी है, और 4-5 दिन के अंदर वो ज़मीन भी बिक गई, सारा काम हो गया। ये मालिक संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही बड़ा सिरदर्द जो मेरे सिर पर था वो टाल दिया। चमत्कार तीसरा मेरे साथ ये हुआ सर कि मैं जब रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के समय पे मुझे थोड़ा पैसा मिला था और मैंने एक प्लॉट ख़रीदने के लिए वो एडवांस में उसको एग्रीमेंट के लिए दे दिया था, लेकिन क्या हुआ कि समय पे पैसा न मिलने के कारण वो बोला भाई या तो आप बैनामा कर लो नहीं तो ये पैसा मैं दूंगा नहीं। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, हे मालिक हे दाता मैं तो लूट जाऊँगा पिट जाऊँगा मालिक, मेरा पैसा आना चाहिए, तो साल भर हो गया बहुत परेशान हो गया मालिक। तो इसके बाद परमात्मा ने मेरे को बोला भाई आपका नाम खंड चल रहा है, आप नाम शुद्ध करा लो आपका पैसा आ जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ये आवाज़ दी। इसके बाद मैं नहा के और लड़के को बोला मतलब भाई मेरा नाम शुद्ध कर दो, तो उन्होंने मेरी परीक्षा ही ली थी और 14 मैसेज उसी वक्त आए, मेरा 12 लाख रुपया उसी वक्त आ गया। परमात्मा ने सबसे बड़ा लाभ मुझे ये दिया संत रामपाल जी महाराज ने। हमारी पत्नी का तो ऐसा है जी, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के जब मैं नाम लेके आया था तो इनको भी नाम लेने के लिए मैंने बोला, लेकिन ये टस से मस नहीं होती थी, ये 24 घंटे टीवी में घुसी रहती थी। मैंने इसको बहुत समझाया लेकिन ये नहीं मानी, और इसके बाद फिर इसके साथ हादसे पर हादसे शुरू हो गए और ये छत से गिर गई। छत से गिरने के बाद इसकी 3 जगह से रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, सिर में फ्रैक्चर हो गई, ये उठ बैठ चल फिर नहीं सकती थी। मैं उस वक्त छत्तीसगढ़ में पोस्टेड था, वहाँ से मैं 2 महीने की छुट्टी लेके आया और डॉक्टर ने बोला जी इसको हिलना डुलना बिल्कुल मना है, इसको अगर उठाना है तो सिर के नीचे हाथ दे कर उठाना पड़ेगा और लैट्रिन बाथरूम सब आपको करना पड़ेगा। मेरे सिर पर तो बड़ी मुसीबत आ गई, मैं तो ये सारा काम किया जी, घर में कोई करने वाला था नहीं। 2 महीने की छुट्टी से पहले ही मैं परमात्मा से रोज़ अरदास लगाता था, हे मालिक इसको ठीक कर दे। तो मालिक ने ठीक 1.5 महीने के अंदर ही अंदर उसको चारपाई से खड़ा किया, वो ठीक हो गई। इसके बाद मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर फिर आया, फिर उसके साथ एक हादसा और हो गया, वो बाथरूम से चक्कर खा के गिर गए, उसका हाथ उतर गया, 2 महीने तक वो फिर खाट में पड़ी रही। इसके बाद मैं उसको बराबर बोलता रहा आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाइए, नाम लीजिए, भक्ति कर लो, लेकिन वो सुनती नहीं थी और उल्टा ही गुरु जी को गाली गलौच और करती थी। फिर मैं भी हार मान गया और चुप बैठ गया, मां गुरु जी गाली मत दीजिए, भक्ति कर चाहे ना कर, और मुझे भी भक्ति करने के लिए रोकती थी। तो ऐसे होते होते 2 साल बीत गए। इसके बाद लड़की की शादी होनी थी, लड़की वाले को भी उसने बता दिया ऐसा झूला ऐसा लगेगा, और गांव से उठा करके पूरा शहर में लेके आई। वहां पर भी उसने मना किया, मैंने उसको मगा ऐसा मत कर, लड़की जो दे रहा है उसने वो सब कुछ दे रहा है बेचारा, तू उसको परेशान मत कर, लेकिन वो नहीं मानी। मेरे लड़के की आखिरी शादी है, मैं लड़के की घोड़ी पर चढ़ के देखना चाहती हूँ, मगर ठीक है जो देखना है देख ले। और ठीक शादी से 4 दिन पहले ही मेरे साथ भात नौतने जा रही थी और रेल की पटरी जैसे ही क्रॉस करने लगे उलझ के नीचे गिरी, और रेल की पटरी पे गिरते ही एक हाथ की 5 जगह से हड्डी टूट गई उसकी। बड़ी मुश्किल से मैंने प्लेटफार्म पर उसको उठा करके रखा, और जिस दिन लड़के की घुड़ चढ़ी थी शादी थी उस दिन वो हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हो रहा था। तो इसके बाद में फिर एक ज्योतिष था जो हमारे लड़के का जानकार था, उसने बताया कि भाई तुम्हारी मम्मी की उम्र नहीं है, वो 2016 तक जो है ख़त्म हो जाएगी। मैंने उसना विश्वास नहीं किया ज्योतिषी के ऊपर, क्योंकि मैं तो परमात्मा से जुड़ा रहता, उसी मालिक से मैं अर्ज लगा सकता था। लेकिन दूसरी बार हमारी बहू हॉस्पिटल खाना लेके जा रही थी और रास्ते में जहाँ रेड लाइट होती है वहाँ उसने विक्की रोकी हुई थी, वहीं पर एक संत उनको मिले, उन्होंने भी वही बात उसको बता दी। तब जाके मेरा माथा ठनक गया, मैंने उस ज्योतिषी को अपने घर बुला लिया। मैंने बोला भाई आपने ऐसा कैसे बोल दिया डायरेक्ट कि आपकी जो पत्नी है ये 2016 में डेथ हो जाएगी इसकी। बोला जी मैं नहीं बोला, इसकी मस्ती की रेखा बता रही है। और बोला तुम्हें यकीन नहीं है तो बुलंदशहर में एक मेरे गुरुजी रहते हैं वहाँ लेके जाओ। तो उसे बुलंदशहर लेके चला गया जी। बुलंदशहर में जाके वहाँ गाँव के 50-60 आदमी और बैठे हुए थे, तब उन्होंने बताया कि इन्होंने पहले भी 3 हमारे गांव के आदमी थे उनको भी मृत्यु की घड़ी बताई थी कि इस टाइम पे आप मर जाओगे और उस समय पर उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। तो तब मैं भी डर गया,
तो मैंने मेरी पत्नी ने उनसे पूछा कि मेरी भी मृत्यु की घड़ी बता दो, तब उन्होंने बताया कि 32 हफ्ते का समय है और इसमें भी आपके ऊपर इतने कष्ट आएंगे कि आप रो जाओगी। तब तो हमारी पत्नी डर गई और मेरे को बोली कि मुझे संत रामपाल जी महाराज के पास ले चलो, मैंने नाम दीक्षा लेनी है उनसे। तब मैं वहाँ से उनको आश्रम लेके आया, उस वक्त भी उनके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था और फिर संत रामपाल जी महाराज के सामने जा करके रोई कि पंडित ने मुझे ऐसे ऐसे बताया, गुरुजी मैं कैसे भक्ति करूँगी। तब गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि मर्यादा में रह करके भक्ति करना और तेरे कुछ नहीं होगा। आज का दिन ले 4 साल का समय हो गया सर जी, आज तक उसका कान भी तत्ता नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल सही सलामत है और घर में सारा काम कर लेती है और ठीक ठाक घूम रही, आज तक वो बीमार भी नहीं हुई। मेरे परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ सर, तब से मेरे घर में पूर्णतः शांति सुखमय जीवन और बगैर किसी कष्ट के जीवन जी रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है, सद्भक्ति करने को मिल रही है और परमात्मा की दया से सब बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं, आप फोर्स से मैकेनिकल इंजीनियर से रिटायर्ड हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, क्या ये बात सही है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़े थे? जी नहीं सर जी, मैं अंधश्रद्धा भक्ति के तहत नहीं जुड़ा। मैं तो पहले भी भक्ति कर ही रहा था और मैं शरीर से भी स्वस्थ था और आर्थिक स्थिति मेरी सही थी। मैं सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से सद भक्ति के कारण जुड़ा था। संत रामपाल जी महाराज है वो सद ग्रंथों के आधार पर जो है सद भक्ति देते हैं और उन्हीं से हमको लाभ मिलते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी दर्शक आज मुझे देख रहे हैं, मैं उनको संदेश तो क्या, मैं तो सिर्फ उनसे विनती करना चाहता हूं कि जो भी अलग अलग पंथों में अलग अलग संतों के पास जुड़े हुए हैं, उन भक्तों को मैं सिर्फ यही एक विनती करना चाहता हूं कि 7:30 बजे संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पर सत्संग आता है। सभी भाई एक बार तो कम से कम उसको खोल कर देख लो, अपने ज्ञान को तो देख लो कि हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज क्या बता रहे हैं, तुम्हारे गुरु जी क्या बता रहे हैं, तुलना करके देख लो और तब जुड़ो। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से अनेक चैनलों पर सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उनके नीचे एक पीली कलर की पट्टी चलती है जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं आश्रमों के। आप भी अपने उन नंबर पर फ़ोन करके पता कर लो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में नामदान सेंटर कहाँ है और उनके नंबर क्या है और वहाँ से आप जुड़ सकते हो। धन्यवाद सर। सत्साई।